शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में मिशन शक्ति के तहत लगातार महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की देखरेख में मौजूद महिलाओं एवं बालिकाओं को दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से आत्मरक्षा की बारीकियों को बताया गया। वहीं शासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में भी विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई जा रही है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के समय महिलाएं एवं बालिकाएं इन नंबरों का इस्तेमाल कर समय रहते सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप तुरंत 1920 डायल करें। जितनी जल्दी आप डायल करेंगे उतनी जल्दी आपके अकाउंट से गया हुआ पैसा होल्ड हो जाएगा और उस पैसे को आपको वापस कराने में, आपको वापस दिलवाने में हम उतने ही सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, जितना आप ले जाओगे उतने ही कम चांसेस हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ जाने के बाद आपके प्रधान जी ने जो है ये काम किया, उन्होंने लगाया दिन पहले उनको लाभ हुआ। ठीक है, फिर दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन उसने बोला कि नहीं आप जो है 24,000 पर डाल दीजिए अकाउंट में, उन्हें डाल दिए। कि किस जगह पे हम मारेंगे इनको, इंजरी होगी, हम बच पाएंगे क्या, हम सक्सेस होंगे उनको मारना। मान लीजिए हम इनको यहाँ पे मार दें, बस ये ताकत दी है मार दी इनका ना, स्टेट वन में फर्स्ट जो हड्डी है इसको बैन करते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन ये थंब जो बचा है आपका, थंब फर्स्ट और सेकेंड फिंगर, तो छुड़ाने के बाद दोबारा नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते कि नहीं, तो हमको उसका इलाज करना पड़ेगा ना, कि थोड़ी देर जमीन पे ही रहे आराम करे जब तक पुलिस आ रही है। क्या किए ब्लॉक कर दिए ना, और हमको बचना भी तो आना चाहिए, तो कुछ नहीं करी, सिंपली देखिए इतना हाथ खाली है, हल्का सा बस एक पैर को स्पीड में करना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, ये एक मिशन शक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, उसी के तहत आज गोरखपुर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो हमारी घरेलू लाइन की बच्चियां महिलाएं हैं और आसपास के घरों की जो बच्चियां हैं उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। इसमें इनको जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित उसके बारे में जानकारी दी गई है, जो कानूनी प्रावधान हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई है जो महिलाओं के साथ जनरली हो रहे हैं आजकल, प्लस एक विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है जो उनको आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। तो उद्देश्य यही है कि जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो स्कूल जाती हैं, रोज़ मार्केट वगैरह में आ जा रही हैं, वो छेड़खाने वगैरह आज जैसे अपराध अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें और उसका देन एंड देयर रिस्पॉन्ड कर सकें और सशक्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ आज ये प्रोग्राम पुलिस लाइन में